नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच 24 सितंबर को द्विपक्षीय बैठक होगी। व्हाइट हाउस ने इस बात की जानकारी दी है। बता दें, व्हाइट हाउस ने बताया है कि शुक्रवार को राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। ऐसे में पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच ये पहली बैठक होगी। बता दें, इसी साल जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन और पीएम मोदी कई मौकों पर वर्चुअली बात कर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार होगा जब दोनों के बीच बैठक होने वाली है। इसके अलावा करीब 2 साल बाद पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। आखिरी बार पीएम मोदी सितंबर 2019 में अमेरिका गए थे। उस वक्त अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम रखा था। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मोदी अमेरिका गए थे। बता दें, व्हाइट हाउस के मुताबिक शुक्रवार को ही जो बाइडेन जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा से भी मुलाकात करेंगे और इसके बाद पहली बार बाइडेन क्वाड नेताओं की समिट की मेजबानी भी करेंगे। इसमें पीएम मोदी और जापानी पीएम योशीहिदे सुगा के अलावा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन के बीच बैठक होने वाली है। हालांकि इससे पहले बता दें, वर्चुअली बैठक दोनों के बीच हो चुकी है, लेकिन पहली बार होगा जब आमने सामने दोनों एक साथ नजर आएंगे, एक साथ बैठक करेंगे। पंजाब की नई सरकार ने अपने कामकाज में तेजी लाने के लिए सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सुबह 9 बजे दफ्तरों में अपनी हाजिरी दर्ज कराने का आदेश जारी कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि विभागों में किसी भी समय जांच हो सकती है। कार्मिक विभाग की ओर से राज्य के सभी कभी विभाग प्रमुखों, डिविजन कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और SDM को जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य के सभी अधिकारियों कर्मचारी सुबह 9 बजे अपने दफ्तरों में हाजिरी लगाएंगे और को दफ्तर के समय तक हाजिर रहेंगे। इसके साथ ही सभी प्रबंधन सचिवों और विभाग प्रमुखों को भी निर्देश दे दिया गया है कि सप्ताह में कम से कम 2 बार अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों की हाजिरी की औचक जांच भी करें, साथ ही अपने अधीन संस्थानों में जारी कामकाज और रिकॉर्ड का भी निरीक्षण करें। साथ ही सरकार ने प्रबंध सचिवों को उनके अधीन निदेशालयों, बोर्डों और निगमों के प्रमुखों से हिदायतों का पालन कराने के लिए भी जिम्मेदारी करार कर दिया है। इसी तरह फील्ड में डिवीजनों के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कई विभागों के प्रमुख अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले दफ्तरों के प्रमुखों के स्टाफ को चेक करने के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसे में सरकार की तरफ से यह भी आदेश दिया गया है कि दफ्तरी कामकाज में पारदर्शिता लाई जाए और लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर पारदर्शी तरीके से निपटाने की कार्रवाई की जाए। तो बता दें, जब से पंजाब को नया मुख्यमंत्री मिला है, तब से एक के बाद एक फैसले चलने की तरफ से लिए जा रहे हैं और अब ऐलान कर दिया गया है, आदेश दे दिया गया है कि सभी कर्मचारियों को सुबह 9 बजे दफ्तर में हाजिर होना होगा और हाजिरी अपनी लगानी होगी और शाम तक ही दफ्तर में सभी कर्मचारियों को उपस्थित रहना होगा। तो यानी कि पंजाब में नई सरकार, नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और ऐसे में फरमान जारी कर दिया गया है। गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। बता दें, अपने दौरे के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैदपुर के टाउन नेशनल इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। बता दें, मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ BJP के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित भी किया और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रामायण काल में भी गाजीपुर की चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर से माफियाओं के सफाया हो चुका है और ऐसे में CM ने कहा कि पिछले 4.5 साल में प्रदेश में बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज यूपी का युवा कहीं भी जाएगा तो उसे पहचान का संकट नहीं है। कोई चेता नहीं था मुख्यमंत्री के आवास में लेकर करके
वहीं कोरोना से बच्चों की सुरक्षा को लेकर माता पिता की चिंता जल्द ही दूर होने वाली है। दरअसल फाइजर ने सोमवार को कहा कि वो फूड एंड ड्रग इंटरमीडिएट को और यूरोपीय मेडिकल एजेंसी में इस महीने के अंत तक बच्चों को टीका लगाने की अनुमति के लिए आवेदन करेगी। फाइजर ने कहा कि 5 से 11 साल के बच्चों में वैक्सीन ज्यादा प्रभावी और सुरक्षित है। साथ ही फाइजर का दावा है कि जिन बच्चों को टीका लगाया गया उनमें 16 से 25 साल वालों की तुलना में मजबूत प्रतिरोधी असर दिखा है। ऐसे में वैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों को टीके की 10 ग्राम डोज दी गई जो बड़े बच्चों और औरों को दी गई थी। ऐसे में बता दें अनुमान है कि वैक्सीन की मात्रा ज्यादा देने से बच्चों पर बुखार, सिरदर्द, थकान आदि दुष्प्रभाव हो सकता है। फाइजर ने यह घोषणा तो कर दी है और कहा है कि 5 से 11 साल के लिए बच्चों के लिए टीका सुरक्षित और काफी असरदार है, लेकिन उसने आंकड़े जारी नहीं किए। दरअसल कंपनी का दावा है कि वो सर्दियों से पहले बच्चों पर परीक्षण कर के आंकड़े FDA को मुहैया करा देगी। ऐसे में कंपनी का कहना है कि 2 से 5 साल और 6 महीने से 2 साल के बच्चों पर भी प्रशिक्षण कर लिया जाएगा। इसी साल की 4th तिमाही तक शुरू हो सकता है। वही बता दें पहले 2रे और 3रे चरण के परीक्षण में अमेरिका, फिनलैंड, पोलैंड और स्पेन में 6 महीने से 11 साल तक के 4500 बच्चों पर 90 स्थानों पर परीक्षण हो सकता है। ऐसे में डोज के बीच का अंतर 21 दिन का हो सकता है। यानी कि अब जिन माँ बाप को चिंता थी कि उनके बच्चे कोरोना की वैक्सीन उनके बच्चों को कब मिलेगी, अब उन माँ बापों की चिंता बहुत जल्द ही दूर होने जा रही है, क्योंकि फाइजर इसी महीने उपयोग की अनुमति मांगने वाला है और ऐसे में सर्दियों से पहले फाइजर पूरा आंकड़ा भी सौंप सकता है। केदारनाथ धाम के लिए 1 अक्टूबर से हेली सेवा का संचालन किया जाएगा। जी हां, नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से देवस्थानम प्रबंध बोर्ड को हेली सेवा शुरू करने के बारे में प्रस्ताव भेजा गया है। 200 ई पास हेली सेवा से जाने वाले तीर्थ यात्रियों को प्रतिदिन जारी किए जाएंगे। ऐसे में केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पैदल चलने में असमर्थ यात्रियों को अब 1 अक्टूबर से हेली सेवा की सुविधा मिलने जा रही है। इसके लिए नागरिक उड्डयन विभाग ने तैयारियां कर ली है। बता दें गुप्त काशी, सिरसी और फाटा हेलीपैड से 9 एविएशन कंपनियों को अनुमति दी गई है। हेली सेवा का संचालन करने से पहले DGCA की ओर से तीनों स्थान के हेलीपैड पर सुरक्षा मानकों का निरीक्षण भी किया जाएगा। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की वजह से केदारनाथ के लिए हेली सेवा का संचालन संभव नहीं है, लेकिन देवस्थानम बोर्ड के CEO रविनाथ रमन ने बताया है कि केदारनाथ के लिए हेली सेवा का संचालन 1 अक्टूबर से करने का प्रस्ताव मिला है, जिसमें हेली सेवा से जाने वाले यात्रियों को 200 ई पास जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही बता दें इससे पहले भी 4 धाम यात्रा पर रोक लगाने के लिए 1100 हेली सेवा की बुकिंग रद्द की गई थी। उत्तराखंड सिविल एविएशन प्राधिकरण ने बुकिंग करने वाले यात्रियों को पैसा वापस लौटा दिया था। यानी कि अब जो लोग काफी समय से 4 धाम यात्रा करने जाने वाले थे, सोच रहे थे 4 धाम यात्रा करने के लिए, अब उनके लिए ये सेवा बहुत ही अच्छी और लाभदायक होने वाली है, क्योंकि 1 अक्टूबर से केदारनाथ के लिए हेली सेवा शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा खुलने के बाद से ही बड़ी तादाद में लोग तीर्थ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिस पर प्रदेश के पर्यटन और तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शुरुआत में ही 4 धाम यात्रा के लिए 42,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा के लिए लोग इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि लोग अपने घरों में बंद महसूस कर रहे थे और उत्तराखंड की आबोहवा अच्छी है, इसीलिए
लिए लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। आपको बता दें कि यात्रा की शुरुआत के 2 दिनों में ही 42,000 से ज्यादा लोगों ने 4 धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी SOP के अनुसार बद्रीनाथ धाम में 1,000, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री धाम में 600 और यमुनोत्री धाम में 400 लोगों को ही एक दिन में यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है। तो ऐसे में अब 4 धाम यात्रा जो लोग करना चाह रहे थे, पिछले काफी समय से कोरोना की वजह से 4 धाम यात्रा रोकी गई थी, लेकिन अब 4 धाम यात्रा को फिर से खोल दिया गया है। तो अब लोगों के चेहरों पर खुशी आ गई है, क्योंकि जो लोग 4 धाम यात्रा करना चाह रहे थे, अब उनके लिए ये एक बेहद ही अच्छी खबर है कि 4 धाम यात्रा खुल गई है। हालांकि अब देखिए, 4 धाम यात्रा खुली तो लोग कितने उत्साहित थे 4 धाम यात्रा के लिए, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 2 दिनों में 42,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। निश्चित रूप में यह बड़ी खुशी की बात है कि पहले ही दिन 42,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यह बड़ी खुशखबरी है। इसका मतलब यह है कि लोगों में बड़ा उत्साह है और लोग अपने आप को पिंजरे में बंद करा महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम धार्मिक जगह में जाएं, खासकर उत्तराखंड में जाएं, जहाँ की आबोहवा बड़ी स्वच्छ है और हेल्थ गिविंग है, बामी एयर है यहाँ की, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है। और जैसे जैसे लोग जाते रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। यात्रा पूरी रेगुलेटेड है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को पूरे निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा को देखें और जो SOP है उसका पालन करें। तो SOP का पालन करते हुए ये यात्रा चलेगी। जो यात्री हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मौसम विभाग से उसका जो फोरकास्ट है उसकी सूचना लेने के बाद ही यात्रा शुरू करें। और हमने जगह जगह हमारे SC और हमारे जो चीफ हैं हर जिले के अंदर वो पहुंच गए हैं, सब जगह तैनात हो गए हैं। और इस समय हमने जो हमारे गड्ढे हैं उनको भरने का भी हमने अभियान चलाया है कि जगह जगह जो हैं पॉट होल्स को भरे जाएँ, तो उसका भी अभियान चल रहा है हमारा। वही उत्तराखंड के चमोली में जिला मुख्यालय गोपेश्वर के पास मंडल घाटी में सती शिरोमणि माता अनुसुईया रथ डोली की अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर सती शिरोमणि माता अनुसुईया मंदिर में विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई। बता दें, मंडल घाटी के मंडल गांव में मां अनुसुईया रथ डोली मंदिर प्रांगण में पहुंची और श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। ऐसे में मान्यता है कि इस दिन सती शिरोमणि माता अनुसुईया ने त्रिवेद, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बालक रूप में अन्नप्राशन करवाया था। वर्तमान समय में भी समस्त मंडल घाटी के लोग इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। इस दौरान भक्तों ने मां अनुसुईया और तीनों देवी को नए अनाजों का भोग लगाया और ककड़ी, मक्का, दूध अर्पित किया गया। बता दें, समस्त भक्तों को प्रसाद के रूप में हरियाली वितरित भी की गई। आज भगवती अनुसुईया देवी के प्रांगण में चतुर्दशी के शुभ अवसर पर भगवती का जो मसलटू जो पूजा अर्चन होता है, जो हमारी लोग पारंपरिक भाषा है मसलटू, उसमें ऐसी मान्यता है हमारी पूर्वजों से लेकर आती रही है कि भगवती जगत जननी अनुसुईया देवी ने त्रिदेवों को बालक बनाया था और इस दिन उनका अन्न प्राशन कराया था। तो लोक मान्यता के अनुसार सभी ग्रामीण और 8 गांवों का जो ये मंदिर है, रथडोली मंदिर मंडल में, उसमें स्थानीय लोगों के द्वारा जो लोकल उनकी ककड़ी, मुंगरी और बुखड़ा, हमारी जो पारंपरिक भाषा है जूड़ा कहते हैं जिसको, तो इस सब का भोग लगता है, भगवती की पूजा अर्चना होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात जरा मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली NCR में आज एक बार फिर से बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून जाते जाते दिल्ली को भिगो कर जाएगा। ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को यानी कि आज भी दिल्ली में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली NCR के कई क्षेत्रों में मंगलवार से हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी
पूर्वानुमान के मुताबिक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। शहर में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने बताया है कि गंगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ इलाकों में, दक्षिण और दक्षिण पूर्व राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं राज्यों के कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। यानी कि मॉनसून जाते जाते एक बार फिर से लोगों को मौसम जो है सुहाना करता हुआ नजर आएगा, सुहाना मौसम हो सकता है। और ऐसे में आज दिल्ली में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है बारिश का। टेस्ट क्रिकेट के लिए राजधानी लखनऊ का 28 सालों से चला रहा इंतजार अभी आगे भी जारी रहेगा। दरअसल भारत और न्यूजीलैंड के बीच नवंबर दिसंबर 2021 में होने वाले दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले की मेजबानी इकाना स्टेडियम को न मिलकर कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम को दी गई है। बीसीसीआई द्वारा नवम्बर से जून तक भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें ये जानकारी दी गई है। बता दें कि भारत दौरे पर आ रही न्यूजीलैंड के टीम के साथ पहला टेस्ट मैच ग्रीन पार्क स्टेडियम में 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच खेला जाएगा। इस मैदान पर भारत ने आखिरी मुकाबला 5 साल पहले न्यूजीलैंड के साथ ही खेला था, जो भारतीय टीम का 500वां टेस्ट मैच था। आपको बता दें कि ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में अब तक 22 टेस्ट और 14 एक दिवसीय एक T20 और 4 IPL मुकाबले खेले जा चुके हैं। साथ ही बता दें, इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के लखनऊ के लिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने की चर्चा थी, लेकिन टेस्ट मैच की मेजबानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम को सौंप दी है। बता दें, लखनऊ में इससे पहले जनवरी 1995 के KD सिंह बाबू स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच खेला गया था। इस में नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन तेंदुलकर ने शतकीय पारियां खेली थी। भारत की पहली पारी में 511 रन के जवाब में श्रीलंकाई टीम ने अपनी पहली पारी में 218 और दूसरी पारी में महज 174 रन पर स्कोर पर सिमट गई थी। तो बता दें, अब लखनऊ में 28 साल बाद टेस्ट मैच खेला जाएगा। हालांकि कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में टेस्ट मैच खेला जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच ये टेस्ट मैच होने वाला है। और ऐसे में अब इस टेस्ट मैच को कितना ये टेस्ट मैच रोमांचक होने वाला है, ये देखने वाली बात है। 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में ये टेस्ट मैच खेला जाएगा। मेरठ के सर्किट हाउस में राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश के 4.5 सालों के कामकाज का बखान किया। उन्होंने 4.5 सालों में सरकार द्वारा किए गए कामों को जनता के सामने पेश किया। वहीं जब उनसे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने खुद माना कि महंगाई बढ़ी है और रोजगार में दिक्कत आई है, लेकिन ये समस्या जल्द ही दूर कर दी जाएगी। क्या कुछ और उन्होंने कहा, आपको भी सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 साल पूरे कर लिए हैं और अब चुनाव सर पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तमाम उपलब्धियों को गिना रही है। सब जगह जाकर के जो प्रतिनिधि हैं वो तमाम चीजें गिना रहे हैं, लेकिन इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर राहें ज्यादा आसान नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ हो चुका है। इसके अलावा जो किसान आंदोलन है वो चल रहा है। ऐसे में मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए भाजपा से राज्यसभा सांसद इनसे जानने की कोशिश करते कि आखिर किस तरीके से और किस प्लान के साथ आगे चलेंगे, क्योंकि चुनाव सर पर आ चुका है। सर, सबसे पहले न्यूज रोड में आपका स्वागत है। सर, आपने तमाम योजनाएं गिनाई, उपलब्धियां गिनाई और मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जनता संतुष्ट भी है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की खासतौर से अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ हो चुका है और कहीं ना कहीं इसमें जो संजीवनी है वो किसानों का आंदोलन है। सबसे पहले सर, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जहां तक गठजोड़ का सवाल है, हमारी पार्टी विश्वास ये करती है कि हम हर बूथ पर 50% से अधिक वोट लें, सब भी मिल जाए तब भी हम जीते हैं। और इसी को लक्ष्य रख के 17 का चुनाव लड़े तो आपको मालूम होगा 60 भी MLA उससे पहले हमारे पास नहीं थे,
और हम 300 पार कर गए। तो पार्टी का तो यह है, पहले भी सब पार्टी मिलकर लड़ रही है, संयुक्त मोर्चा बना के सब मिलकर लड़े थे, अब भी मिल जाए तो कोई पार्टी को दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। पहले मोदी जी के काम का था, अब उसमें योगी जी का काम और जुड़ गया है, तो इसलिए मैं समझता हूँ पहले से भी अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। सर लेकिन इस वक्त अगर जनता की बात की जाए तो जनता के अंदर महंगाई को लेकर बहुत रोष है, तमाम प्रदर्शन हो रही है, डीजल पेट्रोल गैस और खाने का सरसों का तेल तमाम चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आम जनता के बजट से बाहर हैं, तो ऐसे में सर इस चीज से कैसे निपटा जाएगा? देखिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब महंगाई बढ़ती है तो यहाँ भी बढ़ती है, यहाँ भी बढ़ी है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उस पर भी सरकार काम करने का काम कर रही है। अभी बैठक थी, यदि राज्य तैयार होते जीएसटी में आने के लिए तो उसको जीएसटी में लाया जाता, लेकिन कुछ राज्यों ने सहमति नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ सबसे कम वैट लगा रखा है और राज्यों का ज़्यादा वैट है, तो यहाँ का डीजल वगैरह कम है और जगह के मुकाबले, और मुझे आशा है कि जल्दी इस पर ये महंगाई भी नियंत्रित होगी। सर महंगाई नियंत्रित होगी लेकिन चुनाव सर पर है, ऐसे में आपकी क्या अगली रणनीति रहेंगी और क्या मैनिफेस्टो में रहेगा? क्योंकि पहले से अगर देखा जाए आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी, अब की बार भ्रष्टाचार खत्म होगा, गुंडाराज खत्म होगा, सरकार भाजपा की होगी, वो आपने करके दिखाया कोशिश की है, लेकिन और तमाम चीजें हैं, अब क्या मैनिफेस्टो में रहेगा, किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाने की तैयारी है? देखिए मैनिफेस्टो तो अभी तैयार नहीं हुआ, मैनिफेस्टो तो वहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री और वो सब जो लोग तैयार करेंगे, लेकिन हाँ जो कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 36,000 करोड़ माफ किया और जिससे 87 लाख परिवार प्रभावित हुए, उनको फायदा हुआ, साथ ही कहा था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, तो जितने गुंडे थे उन सबको खात्मा कर दिया गया, और जितने भू माफिया थे या तो वो जेल के अंदर है, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई है, और सबसे बड़ा तो बहन बेटियों की इज्जत का जहां तक सवाल था, आज कोई चिंतित नहीं होता मैं किसी की बहन बेटी स्कूल जा रही है कि पहले चिंता रहती थी शाम को लौटेगी नहीं लौटेगी, इस तरह की घटनाएं होती थी, और इसी कारण से क्योंकि पूरे प्रदेश भर में गुंडा राज खत्म है, अपराध खत्म है, भ्रष्टाचार नहीं है, ट्रांसपोर्ट तो हम कह चुके हैं, इसके अलावा मैं यही कहने जा रहा हूं, इसीलिए बड़े पैमाने पर यहाँ पर निवेश हो रहा है और बड़े रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। हंगामे प्रदर्शन प्रतिदिन हो रहे हैं, आंकड़े पेश कर दीजिए। यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फिल्म सिटी बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा में बन रहा है, ये एक्सप्रेस वे बड़े बड़े बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो ये सारी चीज हो रही हैं तो किसके लिए हो रही हैं? ये जनता के लिए हो रही हैं। ठीक है, तो सांसद जी का कहना है कि राकेश टिकैत आए बात करें इस मुद्दे पर, क्योंकि शुरू में उन्होंने इसका स्वागत किया था, मोदी जी की प्रशंसा की थी, लेकिन ना जाने वो क्यों पलटे। हालांकि तमाम मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन आने वाले विधानसभा के चुनाव में किस तरीके की रणनीति रहेगी और क्या मैनिफेस्टो भाजपा का होगा, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में सीधे तौर पर 4.5 साल का जो पूरा बखान इन्होंने यहाँ पर किया है और किस तरीके से कानून व्यवस्था को लागू किया है, इन तमाम मुद्दों पर बात हुई है, और हालांकि इसी चीज को लेकर के आगे जाने की रणनीति है। अपने सहयोगी बाबर चौहान के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। हाल ही में जापान में हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी विजेता टीम के खिलाड़ी पीयूष दुबे मथुरा पहुंचे, जहां मथुरा वासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं ब्राह्मण समाज के लोगों ने पीयूष दुबे को भगवान राधा कृष्ण की तस्वीरें, दुपट्टा, भगवान श्री कृष्ण का मुकुट भी पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान हॉकी खिलाड़ी पीयूष दुबे ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, यहाँ आकर मुझे जिस तरह से सभी का प्यार मिला वो मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है, क्योंकि मेरा पैतृक गांव भी मथुरा के पास सादाबाद है। बता दें कि जापान में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, तो ऐसे में हॉकी टीम के खिलाड़ी पीयूष दुबे मथुरा पहुंचे हैं, जहां पर उन्हें लोगों ने काफी सम्मानित किया। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।